শ্যাম নোয়াল, এমএলও গভর্নমেন্ট কলেজ, বিএসসি ফার্স্ট ইয়ার, লেকচার নাম্বার 11। দু যুগ্মিত সেরা লাভার্থী সিম্পল হারমনি অসিলেটরস দো সলাউট করতে হ্যায় উসকো হম কেসে কপল করতে হ্যায় যা ইসসে পহলে ওয়ালে লেকচার মে হমনে দেখ লিয়া থা ইয়ে এক সিঙ্গল পেন্ডুলাম হ্যায় ইস সিঙ্গল পেন্ডুলাম কো আগার হমনে ডিসপ্লেস কিয়া অর ছোড় দিয়া ইয়ে পেন্ডুলাম ইয়াহ সে আতক অসিলেট কর রহা হ্যায় ইসকা পিরিয়ডিক টাইম কা ভ্যালু इसके लेंथ पर डिपेंड करेगा एल पर। एक और चीज़ हमने देखी, ये स्प्रिंग मास सिस्टम इस मास को हम कंप्रेस करें थोड़ा सा, यानी स्प्रिंग को कंप्रेस करें और छोड़ दें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसका पीरियड टाइम का वैल्यू होता है 2π√ बाई के, और ये सिंपल पेंडुलम है इसका पीरियडिक टाइम का वैल्यू होता है टी इज टू 2π√ एल बाई जी। अब तीन दोनों को अगर हम कपल कर दें तो दो सरल और दो पेंडुलम दें, एक ही रहा एक ही पेंडुलम आइडेंटिकल मास हैं दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगा दें, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये जो लेंथ है उसका एल। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, यानी ये जो फर्स्ट मास है इसका पोजीशन P1 हो गया, सेकंड मास वो यहाँ आ जाता है P2, इसका डिस्प्लेसमेंट X1 हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट X2। अभी हम मान के चले X1 का वैल्यू X2 के मुकाबले ज्यादा है तो स्ट्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है उसके मुकाबले इसका लेंथ जल्द बढ़ जाएगा। अगर X1 का वैल्यू X2 के मुकाबले कम होगा तो स्ट्रिंग कंप्रेस होगी, ठीक है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि X1 का वैल्यू X2 के मुकाबले ज़्यादा है, इसका मतलब स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है उसके मुकाबले इसका लेंथ बढ़ गया। स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले लेंथ अगर बढ़ गया दोनों तरफ इनवर्ट डायरेक्शन फोर्स एक्ट करेगा, तो इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और नेट एलोंगेशन जो स्प्रिंग में हुआ वो X1 - X2 नेट एलोंगेशन। इसका मतलब अगर फर्स्ट पार्टिकल का इक्वेशन मोशन लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा आप इसको इसके साथ कंपेयर करना, इसका जो इक्वेशन मोशन लिखते हैं वो m d2x / dt² मास ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg(x / L) -5 x / L एंगल थीटा, एंगल अगर थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स है तो एम जी साइन थीटा लिखते हैं यहाँ, एम जी साइन थीटा लिखे हैं, एम जी थीटा को लिखोगे X / L। तो अब बिल्कुल इसके लिए हम लिखे हैं इक्वेशन मोशन फर्स्ट पार्टिकल के लिए इक्वेशन मोशन, तो ये हो जाएगा m d2x1 / dt² - mg X1 / L -k × X1 - X2।
नीचे ले लो, डी टू एक्स वन बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एक्स वन बाई एल माइनस के बाई एम एक्स वन माइनस एक्स टू। सेकंड जो पार्टिकल है उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो सेकंड पार्टिकल का इक्वेशन मोशन बिल्कुल सिमिलर वे में लिख सकते हैं, डी टू एक्स टू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस जी एक्स टू बाई एल, यहाँ ये माइनस लीजिए प्लस हो जाएगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, एक्स माइनस एक्स टू। जी बाई एल का वन ओमेगा जीरो स्क्वायर लिखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं वापस से, डू टू एक्स वन बाई डी टी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स वन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स वन माइनस एक्स टू। सिमिलरली सेकंड के लिख सकते हैं, डी टू एक्स टू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स टू इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एम एक्स वन माइनस एक्स टू। ये क्वेश्चन नंबर थ्री, ये क्वेश्चन नंबर फोर। अब अगर हम इसके जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हम ये सपोज करते हैं दो सॉल्यूशन है इसके, कैपिटल एक्स इक्वल एक्स वन प्लस एक्स टू लिखते हैं, कैपिटल वाई इक्वल एक्स वन माइनस एक्स टू। इन दोनों इक्वेशंस देखो, इन दोनों को अगर हम ऐड करें एक्स वन प्लस एक्स टू कर दें तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगा, इक्वेशन थ्री और फोर को ऐड करने पर। इक्वेशन मान गए, ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो, जो दोनों इक्वेशन उसको सब्ट्रैक्ट करें तो रिलेशन आ जाएगा
इफेक्ट में यहाँ प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स एन माइनस एक्स टू प्लस टू के बाई एम एक्स एन माइनस एक्स टू इक्वल जीरो, ये हो जाएगा रिलेशन। डी टू बाई डी टी स्क्वायर ऑफ वाई प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू के बाई एम वाई इक्वल जीरो, ये एक और इक्वेशन बन गया। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा वन स्क्वायर एक्स इक्वल जीरो, इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन में लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर वाई इक्वल जीरो। जहाँ ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा जीरो हो गया, ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू के बाई एम पावर वन बाई टू। इसका मतलब हो गया कि ये दो जो ऑसिलेटर को अगर हमने कपल्ड कर दिया तो वो दो तरह से वाइब्रेट कर सकता है, दो तरह से वाइब्रेट कर सकता है, दो तरह का मतलब हो गया मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसको अपन तरीके भी कहते हैं, विधा, हिंदी में इसको विधा बोलते हैं, तरीके। तो ये दो तरह से कंपन कर सकता है, एक में कंपन इसके आवृत्ति ओमेगा जीरो, यानी दोनों जो पेंडुलम है दोनों पेंडुलम को अगर एक तरफ विस्थापित कर दें उसको छोड़ें तो दोनों एक तरह ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसा लगा रखा है जैसे स्प्रिंग नहीं हो तो जो फ्रिक्वेंसी तो वही फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। और इसके बाद सेकंड केस, एक को इधर डिस्प्लेस करें एक को इधर डिस्प्लेस करें, अब ये वाइब्रेट कर रहा है, विपरीत क्रम में दोलन कर रहा है, अपोजिट फेज में ऑसिलेट कर रहा है, तो ये दूसरी फ्रिक्वेंसी होगी। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये दो तरह के वाइब्रेशन इसके हो सकते हैं। आज काफी है, कल अपन इसमें एक चीज और देख लो, ये दोनों का अगर इधर ऐसा डिस्प्लेस किया तो फ्रिक्वेंसी ये वाली होगी, एक को इधर किया एक को इधर किया, तो इसकी फ्रिक्वेंसी ये होगी। तो ये ऑसिलेटर, ये जो कपल कर रखा हमने कर रखा है, वो दो तरह से ऑसिलेट कर सकता है, ये दो कंपन की विधाएं होगी।